दोस्तों ये है कुछ रोप वे का रास्ता, यहाँ से रस्सी लगी रहती है जिसके थ्रू अपन जाते हैं। कैलाश गिरी रोप वे फाइनली मोस्ट अवेटेड। राम बाबू इज ऑन द फ्रंट एंड हियर इज द फीलिंग। ओह माय गॉड, कर रहा हूँ साला कहीं बाहर ना निकल जाए सीधा। मेरी भी फट रही है अरे गंदे से। अब कैलाश गिरी आया और यहाँ न चढ़े तो मतलब क्या किए अब ऐसा है। वो तो ले भाई मोबाइल से। अबे वीडियो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बहुत सही है। बना रहा ना वीडियो, वीडियो बना रहा। मैं आपको बता देना चाहूंगा ये जो कैलाश गिरी है वो आप दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तो है जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है वो सीधा यहाँ से आपको ले जाएगी और एंट्रेंस पे आपको ₹5 देना पड़ेगा पर हेड पर टिकट। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक रोप वे है, यहाँ से डायरेक्ट आप चार्जेस देके जा सकते हैं। सिर्फ जाने का जो चार्ज है वो 60 है और आने जाने दोनों का है 100। और उतरते टाइम वो जो नीचे उतरते टाइम जो उड़न कंट्रोल है रोप है उसमें आओ तो वो बहुत बहुत मजेदार थ्रिलर रहता है। वो जान यहाँ तक आ जाएगी आपकी, यहाँ तक सीन। हमारे राम बाबू भी कुछ कहना चाहेंगे। हम जो कहना चाहते हैं जो बस से जाओगे तो घाटी का मजा ले सकते हैं और यहाँ से मत जाना, यहाँ से जाओगे तो मजा नहीं आएगा। यहाँ उतरने में जो मजा, उतरने में जो मजा वो चढ़ने में नहीं आएगा। हम घुस चुके हैं अंदर और अंदर जो सीन है वो एकदम सिंपल सा रोड है और वही सिंपल सा रोड है। और हम लोग जो टिकट लिए ना उसमें मैप लिखा हुआ है कि ऐसे लेफ्ट साइड से जाना है फिर उसके बाद निकलना है। तो वहाँ पर मैप भी लिखा, मैप भी था वहाँ पर, उसके अनुसार हम लोग पूरा घूम सकते हैं। 1.5 घंटा लगेगा अगर हम ऐसे नॉर्मली देखते 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 जाए तो। देखते हैं, स्टार्टिंग में ही अपन को कोकड़ा देखने मिल गया। कोकड़ा वॉट एवर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, जानवर तो हम लोग के पीछे है। अरे बड़ा वाला का पहला जीव जो हमको अच्छे से देखने को मिला विशाल का है वन भैंसा। ये जो प्यार का मौसम फरवरी है वो आपके विशाखापट्टनम घूमने के लिए बहुत ही परफेक्ट मौसम है। अभी ना तो जैसे कि नवीन अभी ना ही क्या बोलते हैं ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंड है। दोस्तों गर्मी है कुछ ज्यादा और गर्मी को कम करने के लिए हम एसी लेकर तो घूम नहीं सकते तो उसका हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढ निकाला है। ये है कुछ आइसक्रीम और राम बाबू इसका प्राइस बताएंगे। 20-20 ऐसा कुछ है इसका प्राइस जो है वो। और देखिए मुंह में लेते हुए हाउस की तरह लग रहा है, हॉरर टेक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पे आओगे तो। आप मैं छत्तीसगढ़ी बोली में बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोग घुघुआ बोलते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे तो दो ही दिख रहा है, तीसरा पता नहीं। तीन लोग हैं भैया ये है शुतुरमुर्ग के अंडे
जिनका अगर आमलेट बना खाएं तो 8 लोगों के लिए बहुत पर्याप्त होता है। करीब आधा किलो का होता है इसका अंडा। मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे जो बंदर हैं वो इस गड्ढे की वजह से कूद के नहीं निकल पाते, नहीं तो बंदरों के उछाल आप जानते हैं। वो मूवी देखा था ना, मेडागास्कर मूवी देखा था ना, उसमें जो बंदर रहते ना राजाओं के राजा, हम महाराजा करके बोलता है, हिल हिल के नाचे नाचे करके नाच, वही वाला बंदर है ये, समझे? पूछ देखा उतना लंबा होने के बावजूद भी स्टेप खड़ा हो जा रहा है। आप जिंदगी जी रहे हैं, ये नहीं रहता जिंदगी कैसे जी रहे हैं ये रहता है। तो अगर आपको जिंदगी अच्छे से जीना है तो ये सब समय समय पे आप घूमने जा सकते हैं, और घूमने के लिए हिल स्टेशन हो गया, समुद्र का किनारे हो गया, और साथ ही साथ उन सब के अलावा आपके दोस्त मैटर करते हैं, तो दोस्तों के साथ प्लान कीजिए, जाइए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का सारांश यही है कि आप भी आइए और घूमिए, और विशाखापट्टनम जो है वो बहुत ही अच्छा जगह है सैलानियों के लिए। तो